जालंधर के न्यू रसीला नगर में सुबह बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर सब्जी कारोबारी को लूट लिया। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाया और घर से 12 लाख रुपयों की नकदी और करीब 15 लाख रुपयों के गहने लूटकर फरार हो गए। वारदात न्यू रसीला नगर की गली नंबर 3 में हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि व्यापारी ने इतने पैसे घर पर क्यों रखे थे। तो वही सब्जी कारोबारी रंजीत ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना की तरह अपने परिवार के साथ घर में मौजूद था कि सुबह नकाबपोश लुटेरे उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने आते ही पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया, जिसके बाद आरोपियों ने घर के अंदर से करीब 12 लाख रुपए कैश और 15 लाख के गहने लूट लिए। वारदात के लिए आरोपी घर के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। वही घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और मौके पर थाना 1 की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। वो बाहर आए, ऊपर से टपके और अंदर घुस गया, दरवाजा खटखटाया। ऐसे मैं छोटी घर के मेंबर होंगे, दादा होंगे, मैं खोली बस फटाफट धक्का देके अंदर चले गए और गन पॉइंट पर रख दिया। उसने बोला सारा कैश दो, तेरा घर वाला बहुत कमाता है पैसे, तेरा भाई बहुत पैसे कमाता है। मैं बोली नहीं, फौजदारी करते है, तुम्हारा झूठ बोल रही है तू। तो फिर मुझे कम्बल में बैठा दिया, मेरे ससुर को भी बैठा दिया वहाँ पे और चाबी लेके बोला तो यही बैठ, मुझे सारा घर चाबी कहाँ है। मैं बताई, उसको चाबी लिया और लेके सारा चला गया। कितने लोग थे गन पॉइंट पे, किसको लिया था गन पॉइंट? पहले मेरे को लिया था, फिर बच्चे कम्बल में थे, उसको देखा बच्चे है ना, फिर बच्चे को ले लिया उसने। हाँ जी। घर से क्या क्या लेके गए? घर से 11 लाख कैश थी, 7-8 लाख का गहने थे, गले का सेट था, चूड़ी था, मांग का टीका था, चैन था, हस्बैंड का कड़ा था, रिंग था, मेरा रिंग था, झांझरे थे, यही सब था। और फिर उस कमरे में गए, उस कमरे में सारा एक बक्सा था, उसको तोड़ने की कोशिश की, पहले उसने नहीं टूटा, फिर वो फटाफट बक्सा ही लेके चले गए। वो गहने कहाँ पे पड़े हुए थे? मेरे अलमारी के लॉकर में पड़े हुए थे। हाँ, कितने लोग थे? आपने शोर मचाने की कोशिश नहीं की? शोर मचाया था मैं, फिर बोल तो नहीं, गन पॉइंट पर रख दिया था उसने। बोल रहा है कि बच्चे प्यारे, तू प्यारी है, तो सामान सारा दे दे मुझे। फिर मैं बच्चे के डर के मारे सारा सामान दे दी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करे। एक गन था उनके हाथ में, एक दातर था इतना बड़ा। हाँ जी, वो जो दातर लिया था वो खोल रहा था, जो गन लिया था वो सर पे रखा था उसने। हाँ जी। हाँ, जहाँ ये आप रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं रहती हूँ और ससुर और देवर रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं। हुआ इदा की जैसे हम लोग 5 बजे मंडी चले जाते हैं, पाँच बजे मैं मंडी चला गया। जाने के बाद मेरी घरवाली का फोन आया 6:15 में। मैं क्या क्या बात है कि फोन आ रहा है उनका, 6:15 में फोन आया। मैंने फोन उठाया तो घर वाली बोल रही है मेरे को कि घर पे ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं। तो दो मुंडे आए थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने कृपान लिख रखी हुई थी, तो एक पिस्टल लिया हुआ था। तो मेरे छोटे लड़का है 7 साल का, जतीन कुमार, उसके सर के ऊपर कृपान लगाए, रिवॉल्वर लगा दिया। डैडी के ऊपर मेरा कृपान लगा दिए, घर पे डैडी भी थे मेरे। उन्होंने घर वाली को डर के मारे उन्होंने चाबी दे दिया, तो सारा बता दिया कि यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया, खोल के सारे सामान ले गए। जाते समय उनको मेरे प्रा के रूम में घुसे, उसमें एक पेटी रखी हुई थी, उसमें भी 2-2.5 लाख का हिस्सा था, उसका सामान सुमान था, वो भी सारे ले गए। वो सब बात उन्होंने पुलिस वाले को सब बता दिया है कि ये कांड हुआ है, मेरे प्रा के पेटी में इतने पैसे थे, तो ये सामान थे। तो मेरे घर में 11 लाख की 12 लाख का हिस्सा थी, तो बाकी 7-8 लाख का सोना था, उन्होंने सारा सामान लूट के ले गए। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ।